भरतपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव पदभार संभालने के बाद पहली बार करौली दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया, पुलिस अधिकारियों की समस्याएं जानकर समाधान का आश्वासन दिया। आईजी ने एसपी नारायण टोगस, एएसपी और सभी डीएसपी की बैठक लेकर आपराधिक आंकड़ों की समीक्षा की। वहीं शांति समिति की बैठक में आपसी सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुलिस के सूचना तंत्र को मजबूत किया जाएगा। भरतपुर रेंज का पदभार संभालने के बाद में आईजी गौरव श्रीवास्तव आज पहली बार करौली दौरे पर आए हैं। उन्होंने पुलिस लाइन में निरीक्षण किया, संपर्क सभा को संबोधित किया, शहर का राउंड लिया, साथ ही शांति समिति सदस्यों को भी संबोधित किया। करौली में एक घटना हुई, उसके बाद से काफ़ी सतर्कता बढ़ती जा रही है। संभागीय आयुक्त साहब से, आईजी साहब से जानते हैं किस प्रकार अब पुलिसिंग रहेगी और क्या पुलिस को यहाँ दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। सर, आज करौली जिले के अंदर पुलिस लाइन के अंदर संपर्क सभा में जवानों से वार्ता हुई, उसके बाद अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और अपराध के विषयों पर चर्चा हुई और इस अवसर पर माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के साथ, कलेक्टर साहब और एसपी साहब के साथ, जिला शांति समिति के साथ भी आज बैठक हुई। गत दिनों में जो करौली में घटना हुई थी, मुझे ये कहते हुए काफ़ी खुशी है कि जिला प्रशासन और शांति समिति के सदस्यों के सहयोग से ना केवल स्थिति पुनः सामान्य हुई बल्कि उससे जो भी लर्निंग पॉइंट्स थे उनको भी आगे ध्यान में रखने का हमें जो सीखने का मौका मिला। आने वाले समय में जो त्यौहार होने जा रहे हैं उनको कैसे बेहतर पुलिस और प्रशासनिक इंतज़ाम से अच्छे से आयोजित किया जा सके, उसमें किस प्रकार सांप्रदायिक सौहार्द भी मेंटेन किया जा सके और जो करौली की एक गंगा जमुनी तहजीब है, जो परंपरा है, वो मेंटेन रहे, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। सभी ने आश्वस्त भी किया, जो छोटे कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनको आगे ध्यान में रखना है उन्हें हाईलाइट भी किया। जो डायरेक्शंस हैं वो ड्यूली एसपी और कलेक्टर साहब ने नोट भी किए हैं और मेरा विश्वास है कि इन सभी के सहयोग से प्रशासन बेहतर काम करेगा और यहाँ पर शांति अमन चैन कायम रहेगा। आईजी गौरव श्रीवास्तव जिनका कहना है बेहतर पुलिसिंग जिलावासियों को प्रदान की जाएगी, इसके अलावा आगामी त्यौहार जो है वो भी पूरी तरह अमन और चैन से मनेंगे। मनोज जैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, करौली।